नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। क्रिप्टो में उथल पुथल के बीच फेड की ब्रेनार्ड ने डिजिटल एसेट का किया समर्थन। हॉबी ने लैटिन अमेरिकन क्रिप्टो एक्सचेंज बीटेक्स को किया अक्वायर। टॉप लैटिन अमेरिकन क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्सो ने की 80 कर्मचारियों की छटनी। गाना के पूर्व सीईओ के एनएफटी म्यूजिक प्लेटफॉर्म फैन टाइगर ने $5.5 मिलियन जुटाए। भारत ने प्ले टू अर्न गेमिंग अडॉप्शन में हासिल किया पहला स्थान। क्रिप्टो करेंसीज में आई गिरावट, $29,000 पर बिटकॉइन ने किया ट्रेड। क्रिप्टो अडॉप्शन के लिए पूर्व बाइनेंस एग्जीक्यूटिव ने $100 मिलियन फंड को किया क्रिएट। इंडियन एडवर्टाइजिंग रेगुलेटरी बॉडी ने लगाया 29 उल्लंघनों का पता। फेडरल रिजर्व वाइस चेयरमैन लाइल ब्रेनार्ड ने बुधवार को कहा कि यूएस डॉलर का ऑफिशियल डिजिटल वर्जन बनाने से फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स और दूसरे देशों द्वारा डेवलप की गई डिजिटल करेंसीज तेजी से पॉपुलर हो रही है। ब्रेनार्ड सरकार द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए सेंट्रल बैंक की सबसे आउटस्पोकन एडवोकेट रही हैं। ऐसे में ब्रेनार्ड ने कहा है कि फिजिकल कैश लोगों को सेफ सेंट्रल बैंक मनी तक पहुंच प्रदान करती है, जो कि टेरा जैसी प्राइवेट डिजिटल करेंसी के उलट फेडरल रिजर्व के बैंक्रप्ट होने के जोखिम से मुक्त है। चाइनीज क्रिप्टो एक्सचेंज होबी ने रीजन में अपनी मौजूदगी को एक्सपैंड करने के लिए लैटिन अमेरिकन क्रिप्टो एक्सचेंज बीटेक्स को अक्वायर किया है, जिसकी जानकारी होबी ने गुरुवार को दी है। कंपनी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि होबी ने बीटेक्स के एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को अपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने की योजना बनाई है। ऐसे में बीटेक्स लैटिन अमेरिका में अपने करंट नेम और मैनेजमेंट टीम के अंडर काम करना जारी रखेगा। 2014 में फाउंडेड बीटेक्स अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे और उरुग्वे में ऑपरेट होता है, जो इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स और कॉर्पोरेट कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। ये पेरू में ऑपरेशन शुरू करने वाला है और दूसरे अनडिस्क्लोज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जल्द ही एक्सपैंड करने की योजना बना रहा है। लैटिन अमेरिकन क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्सो ने गुरुवार को 80 एम्प्लॉयज की छटनी की। बिट्सो, जिसमें छटनी से पहले 700 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे, उसने अभी भी अपने जॉब पेज पर 60 से ज्यादा ओपन पोजीशंस को लिस्ट किया है। अपने स्टेटमेंट में कंपनी ने कटौती के कारण के रूप में क्रिप्टो इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ने के लिए एम्प्लॉयज से जरूरी स्किल्स पर फिर से सोचने की जरूरत पर जोर दिया है। हालांकि इसने कैपिटल जुटाने में किसी भी मुश्किल पर बात नहीं की है। बिट्सो की छटनी अर्जेंटीना बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज बियॉन्डबिट द्वारा अपने 45% स्टाफ या लगभग 80 एम्प्लॉयज को ग्लोबल ओवरहॉल के कारण टेक इंडस्ट्री में एंटर करने के 2 दिन बाद की गई है। मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया और ब्राजील में बिट्सो के 4 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। बिट्सो का लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट राउंड मई 2021 में था, जब उसने $2.2 बिलियन के वैल्यूएशन पर $250 मिलियन जुटाए थे, जिसकी मदद से वे पहला लैटिन अमेरिकन क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया था। आर्टिस्ट फर्स्ट टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन, जो म्यूजिक एनएफटी मार्केटप्लेस फैन टाइगर चलाती है, ने कहा है कि उसने मल्टी कॉइन कैपिटल के लीड में सीड राउंड में $5.5 मिलियन जुटाए हैं। राउंड में क्राफ्टन, पेरावेगा वेंचर्स, गामा, वुडस्टॉक फंड, IOSG वेंचर्स, पॉलीगॉन स्टूडियोज और इंडिविजुअल्स में संदीप नेलवाल, गोकुल राजाराम, प्रशांत मलिक और मिटन संपत की भागीदारी भी देखी गई है। गाना के एक्स CEO और प्रॉप टाइगर के को फाउंडर कृष्णा सिंह द्वारा फाउंडेड फैन टाइगर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म पर फैन कम्युनिटीज का निर्माण करने और फैंस को म्यूजिक NFTs का इस्तेमाल करने, अपने करियर को आकार देने में मदद करने में सक्षम बनाता है। आर्टिस्ट सॉन्ग राइटिंग, स्टूडियो प्रोडक्शन और म्यूजिक वीडियोज के लिए म्यूजिक NFTs बेचने से हुई कमाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गाने की मार्केटिंग के लिए अपने फैंस बेस के लिए एक सॉन्ग से अर्न की गई रॉयल्टी के मैक्सिमम परसेंटेज भी कमिट कर सकते हैं। एक नए सर्वे रिजल्ट से पता चलता है कि इंडिया दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश से संबंधित 34 पार्टिसिपेंट्स के साथ प्ले टू अर्न गेमिंग में टॉप स्पॉट पर पहुंच गया है।
फाइंडर की NFT गेमिंग अडॉप्शन रिपोर्ट के अनुसार 29% शेयर के साथ हांगकांग और 27% शेयर के साथ UAE P2E गेम्स के लिए दीवानगी के साथ टॉप कंट्रीज में शामिल है। फाइंडर सर्वे से पता चलता है कि P2E ग्लोबली आगे बढ़ रहा है। अडॉप्शन लेने के सेट में औसतन 10% की बढ़त होगी क्योंकि नए गेमर्स के पास चुनने के लिए कई प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से हर एक के पास अलग अलग मैकेनिक्स हैं। इस तरह से टेबल के दूसरे छोर पर स्वीडन में सिर्फ 4% सर्वेज हैं, जबकि फ्रांस 6% के साथ पीछे है। फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी के बाद बढ़ती फंडिंग कॉस्ट के बीच इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो में स्पेकुलेटिव एसेट्स को जोड़ने में सिलेक्टिव होने के कारण क्रिप्टोकरेंसी को गुरुवार को खतरे के लाल निशान पर देखा, जबकि बिटकॉइन को $29,000 से नीचे देखा गया। हालांकि डाउ जोन्स, S&P 500 और टेक हेवी नैसडैक इंडेक्स से जुड़े स्टॉक फ्यूचर्स ने शुक्रवार को शेयर्स के लोअर ओपनिंग की ओर इशारा किया। क्रिप्टो फियर और ग्रीड इंडेक्स क्रिप्टो के लिए इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स का एक गेज एक्सट्रीम फियर कैटेगरी में एक दिन पहले 12 पॉइंट्स पर अनचेंज रहा। ऐसे में आज इन्वेस्टर्स की नजर US कोर PCE प्राइस इंडेक्स पर होगी। चाइना में प्रेसिडेंट जिनपिंग ने कहा कि देश की इकोनॉमी कोविड पैंडेमिक के पहले स्टेजेस की तुलना में कुछ मायनों में खराब हो रही है। ऐसे में लॉकडाउन ने चाइना के विकास को धीमा कर दिया है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को बढ़ा दिया है। इन सबके बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 2% से ज्यादा नीचे आते हुए $29,000 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 10% से ज्यादा की गिरावट के साथ $1,700 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट दर्ज की गई। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स ने मेटावर्स पर ध्यान केंद्रित करने और उभरते मार्केट्स में ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो अडॉप्शन के साथ $100 million का वेंचर फंड बनाया है। फंड जिसका नाम पुराने जमाने के कॉकटेल से इंस्पायर था, वे फंड की वेबसाइट के अनुसार पहले से ही 50 से ज्यादा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर चुका है। इसमें ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नैनसेन, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वू नेटवर्क और अफ्रीकी गेमिंग कम्युनिटी मेटावर्स मैग्ना का नाम शामिल है। हाल के हफ्तों और महीनों में क्रिप्टो मार्केट्स में परेशान करने वाली परिस्थितियों के बावजूद वेंचर कैपिटल ज्यादा डरावना नहीं लग रहा है। इस हफ्ते एंडरसन हॉरोविट्स ने $4.5 billion की क्रिप्टो कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए अपना फोर्थ फंड बनाया, जो लगभग एक साल पहले जुटाए गए उनके तीसरे फंड से दो गुना से भी ज्यादा है। वर्चुअल डिजिटल करेंसी एडवर्टाइजमेंट्स पर कम से कम 29 एडवर्टाइजमेंट्स के एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है। ये गाइडलाइंस 1 अप्रैल से लागू हुई थी। वायलेशंस ज्यादातर सोशल मीडिया पर प्रभावित करने वालों की ओर से हुए हैं, जो ये मेंशन करने में फेल रहे कि एंडोर्समेंट्स का पेड प्रमोशन किया गया था। हाल ही में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रणवीर सिंह और युवराज सिंह जैसी हस्तियों द्वारा क्रिप्टो वॉलेट और कॉइन DCX, कॉइन स्विच जैसे एक्सचेंजेस का समर्थन करने के बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट का समर्थन करने वाली हस्तियों पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा। ASCI द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश में डिटेल में बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट्स में बताया जाए कि क्रिप्टोकरेंसी एक हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। इस तरह से कंपनीज, ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स लोगों को विज्ञापनों में करेंसी या सिक्योरिटीज शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने का सख्त निर्देश दिया गया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो TV।